मालवा के मंदसौर इलाके में इन दिनों काला सोना नाम से पहचानी जाने वाली अफीम की फसल से बरही माधो मल्हार पूरे इलाके में चल रही है। किसानों की सबसे मेहनत कश अफीम की फसल में अब फूल लहलहाने लगे हैं। अफीम पर डोड़े आना भी शुरू हो गए हैं, जो कि किसानों के चेहरे पर खुशी दिखा रहे हैं। वहीं किसान अपनी फसल को बचाने के लिए तरह तरह के जतन भी हर बार की तरह कर रहे हैं। आपको बता दें, सरकार द्वारा जारी पट्टे पर अफीम की खेती बड़ी मशक्कत और मेहनत के साथ किसानों द्वारा की जाती है। मंदसौर नीमच जिले में अधिकतर किसान अफीम की बुआई करते हैं। इन दिनों अफीम की फसल अपने यौवन पर है और खेतों के बीच खड़ी अफीम की फसल में आकर्षक फूल आए हैं। किसान अपनी फसल को नीलगाय सहित अन्य पशु पक्षियों से बचाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। फसल के चारों ओर सुरक्षा कवच खड़ा किया गया है, तो इसके साथ ही फसल के ऊपर जाली लगाई जा रही है, तो वहीं पौधों को नीचे गिरने से बचाने के लिए रस्सी का जाल लगाया गया है। किसान इस फसल में हजारों खर्च कर इसे सुरक्षित रखता है और जल्द ही अपनी फसल तैयार होने पर शासन के सुपुर्द भी किया जाएगा। अफीम की खेती से किसानों को मोटे तौर पर लाभ मिलता है, लिहाजा किसान पूरी मेहनत के साथ इसकी खेती करते हैं। इन दिनों किसान अपनी मेहनत कश फसल को बचाने और सुरक्षित करने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। वहीं इन दिनों क्षेत्र में अफीम की फसल से बहने वाली मादक मल्हार फैली हुई है। अफीम तो शुरू से हकई से लगा के लास्ट तक, जैसे अपने छोटा बच्चा होता है ना, एक दिन से लगा के 5 महीने तक का, उस हिसाब से अपन अफीम को रखते हैं। मजदूर भी बहुत लगते हैं, निंदई खुदई दवाई भी खूब होती है, और लास्ट टाइम तोड़ते उस टाइम भी कम से कम रात को यहाँ सोना पड़ता है, और धीरे 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 करके एक एक पौधे को, जैसे अपन एक बच्चे को जैसे सींचते हैं ना रख रखा, उसी तरह से एक पौधे को भी ऐसे ही सींचना पड़ता है। उस हिसाब से अपन अफीम की खेती करते हैं, और कम से कम 7 स्प्रे होता है अफीम पे, और एक स्प्रे का खर्चा आता है कम से कम तो 1500 से लगा के 2500 रुपये तक का, और धीरे 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 बड़ा हो जाता है। एक बार लास्ट में मजदूर बुलाते हैं चीरने और लूनने के लिए, तो करीबन करीबन अपना खर्चा बैठता है 90,000 रुपये से जो 1,00,000 रुपये का 10 आरी के पट्टे में लास्ट तक का खर्चा। ये तोते वगैरह नहीं आते, तोते वोते के लिए जाली डालना पड़ता है ना, साइडों में जाली नीलगाय आती है, इससे बहुत परेशान है। तो पोल गाड़ गाड़ के तार फेंसिंग करते हैं, कुछ जाली भी लगाते हैं, और तोते के लिए अपन क्या है, साइडों में बड़े बड़े लकड़ी खड़ी करके डोरी बांध के ऊपर फिर जाली डालते हैं ने, उसके बाद अपन कम से कम तो ये 4 महीने का हो जाता है, उसके बाद अपन मजदूर करके उसको चिराई करके लूनी करते हैं। कम से कम कितना समय लग जाता है इसको पूरा करने? पूरा उसमें 20 दिन लगता है, चिरा लगाने का टाइम 20 दिन लगते हैं हमको एक पट्टे में, और एक पट्टे में कम से कम 4 मजदूर लगते हैं चिराई देने के लिए, और 8 मजदूर लगते हैं, 8 से 10 मजदूर लगते हैं लूने के लिए 10 आरी के पट्टे में। इसको ये ऊपर तो उड़े से बचाने के लिए जाली बांधना पड़ती है, और ये आड़ा गिर रहा है, इससे भी दो कम से कम 20,000 का एक किसान के खर्चा हो रहा है एक 10 आरी के पट्टे में। और घोड़ा रोज बहुत घूमते हैं, घोड़ा रोज को बचाने के लिए रात भर निगरानी करना पड़ती है, तार फेंसिंग जाली लगाना पड़ती है ना, फिर रात को निगरानी भी करना पड़ती नहीं तो घोड़ा रोज तो कूद जाते हैं जाली को भी, इसलिए बहुत खर्चा बैठता है इसको। छोटे से बहुत छोटा रहता नहीं, जैसे बच्चे को पालते हैं ऐसा बड़ा करते हैं, इसमें दवाई भी बहुत लगती है, एक डोज कम से कम 2,000 रुपये का डलता है, कम से कम 10 बार तो दवाई डालना पड़ती है, तो 10-20 हज़ार का तो दवाई में खर्चा होता है, 20,000 का बांधने में, ये आड़ा गिर रहा है इससे बांधने में खर्चा होता है, फिर जाली डालना पड़ती है, जाली में भी खर्चा होता है 4-5 हज़ार का, ऐसे मिला के 40,000 रुपये का 10 आरी में खर्चा बैठ जाता है किसान का, और इसको इसके लागत मूल्य से भी बहुत कम पैसा मिल रहा है किसानों को। और इसमें किस तरीके से ये पेंचिंग वगैरह की जा रही है? ये तो ये डोरियाँ बांधना पड़ती है ना खूंटे गाड़ के, जो उससे ये आड़ा नहीं गिरता है, और क्या इसमें 20,000 रुपये लगते हैं डाल ये जाली ये खूंटे गाड़ के डोरी बांधने में,
मजदूरी ने सब मिला के 20,000 रुपये खर्चा हो जाता है। आपका नाम? गोपाल सिंह आजना।